नमस्कार, आप देख रहे हो जन क्रांति जींद यूट्यूब चैनल। देश भर की तमाम आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर 24 मई को देश भर में एक दिन की हड़ताल करेंगी। क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्यों ये आशा वर्कर हड़ताल कर रही है, इस बारे में इन आशा वर्करों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे निचले स्तर पर आशा वर्कर ही हैं जो काम कर रही है। जो कोरोना मरीज पॉजिटिव है उनकी ऑक्सीजन, टेम्परेचर और उनके खाने पीने की और जो दवाइयाँ हैं, सिर्फ आशा वर्कर ही निचले स्तर पर समझा रही है लोगों को और वो काम भी कर रही है। ना तो समय पे उनको वेतन मिलता और न ही सुरक्षा उपकरण है। कोई भी ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क कुछ भी नहीं है उनके पास और ड्यूटी 24 घंटों की। और इतना प्रेशर आशा वर्करों पे, दबाव तुम्हें हटा दिया जाएगा, लेटर निकाल देंगे तुम्हारा, तुम काम करो और सामान कुछ नहीं है। आशा वर्कर को 24,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए और डेथ पे जो 50 लाख का बीमा वो दिया जाए और जो रुकी हुई पेंशन उनका वेतन वो टाइम पे मिलना चाहिए। तो आगे अब क्या करने वाले हम 24 तारीख को हड़ताल करेंगे। कोई भी आशा वर्कर हमारा काम नहीं करेगी और PSC और CSC पे हम धरना देंगे। आशा वर्कर का काम मैंने 2008 से ज्वाइनिंग की थी और मेरे को 12 मार्च 2020 को हटा दिया गया था आशा वर्कर के से, क्योंकि मैं एक समाज सेवा करके ही, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम चलाई थी स्वच्छता के गांव में पहरा देने की, तो हम 3 बजे उठ के जाते थे, पहरा देते थे और अपना आशा का काम कर रही थी मैं। मेरे को ये नहीं पता था भाई हम अच्छा काम करेंगे और हमारे को आगे भी ले लेंगे कहीं पर। तो जैसे मेरे को नगर पालिका में ले लिया तो मैंने वहाँ से भी रिजाइन ले लिया। मेरा डिप्टी CMO ने और CMO साहब ने भाई आप रिजाइन दो, 3 बार मेरा सरपंच साहब ने लिख के दे दिया है भाई इसको दोबारा से लगाया जाए। मेरी मैडम ने भी लिख के दे रखा है, साइन करके मेरे पास एप्लीकेशन वगैरह है सारी। तो मैं ये चाहती हूँ भाई मेरे को दोबारा से, जब वहाँ से रिजाइन ले लिया तो आपने यहाँ से भी, मेरे 4 बेटे हैं, मैं कैसे घर का गुजारा चलाऊँगी। मैं ये चाहती हूँ भाई मेरी दोबारा से ज्वाइनिंग हो जाए और मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूँ, क्योंकि हमने 24 घंटे ड्यूटी दी है। जो काम मैडम का भी होता है वो भी आशा वर्कर करती हैं और सेफ्टी कुछ भी नहीं हमारे पास। हम ये चाहते हैं हमारी बहनों की भी सेफ्टी हो और जो हमारा 50 लाख का बीमा हुआ था वो बीमा भी लागू होए और जो हमारे न्यूनतम वेतन है 24,000 रुपये वो भी लागू किया जाए जल्द से जल्द। हम इसी कारण 24 तारीख को जो हम रैली निकाल रहे हैं, जनरल हड़ताल है हमारी, तो हम इसी के ऊपर लक्ष्य में ये हड़ताल करेंगे। और हमारी कोई भी आशा वर्कर हर एक PSC पे बैठेंगी, कोई भी आशा वर्कर हमारा काम नहीं करेगी कोई भी। मैं यही चाहती हूँ सरकार से भाई मेरा कम से कम मेरी ज्वाइनिंग करवाओ जल्दी से जल्दी, मैं भी अपना गांव का एरिया देखूं और अपने पेशेंटों को देख रेख करूं अच्छी तरह। और आपका नाम? मेरा नाम करतार रानी है, गांव पदाना से जी। आप 24 तारीख को जो हड़ताल की हुई है किसके लिए की गई है? सर ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है हमारी, जो पूरे देश में इस टाइम महामारी चल रही, दूसरा राउंड है अपना कोरोना का। पहले भी कोरोना का काल में आशा वर्करों ने कोरोना योद्धा का काम किया। उस टाइम तो आशा वर्करों को 50 लाख का बीमा कलेक्टर ने बोल दिया था, 10 लाख का फंड बोल दिया था, 10 जबकि हमें जो कीमत था तो उस टाइम भी नहीं मिला था। तो अब की बार तो सरकार हमें ना तो कोरोना के टाइम में अगर कोई आशा वर्कर कोविड होके गुजर जाते ना तो उनका 50 लाख का बीमा, ना उन्हें 10 लाख का सेंटर दे रही है, ना उनका कोई जोखिम भत्ता है, ना उन्हें कोई सुविधा मिल रही। अब आशा वर्कर सर्वे ऊपर से बर्डन आ रहा, सर्वे करो कोविड के केसों के पास जाओ, आपने ऑक्सीमीटर लेके जाना, ऑक्सीजन चेक करनी है, आपने उसकी दोनों टाइम जाके केयर करनी है। और इनके पास, सरकार के पास आशा वर्कर को देने के लिए ना तो सैनिटाइज़र है, ना मास्क है, ना ग्लव्स है, ना फेस किट है जो आशा वर्कर अपनी सुरक्षा में ला सकें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सरकार हमें जो हमारी मांगे हैं, जो 24 तारीख की हमारी हड़ताल है इसी करके है, अभी हमारी जो मेन डिमांड हैं वो पूरी की जाएं। एक तो आशा वर्कर को सुरक्षा उपकरण दिया जाए, सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स, फेस किट ये दी जाएँ। दूसरा, सभी आशा वर्कर फैसिलिटेटरों के लिए निःशुल्क सेवा, जैसे अलग तिप केंद्र हो, कोई भी आशा वर्कर कोविड से गुजरने लग रही उनको अलग फैसिलिटी दी जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में दी जाए, उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से होना चाहिए आशा वर्करों का भी। और तीसरा, सभी कार्यकर्ता को 10,000 रुपये जोखिम भत्ता हर महीने मिलना चाहिए आशा वर्कर को, इतना कोरोना चला कोरोना टाइम का। और चौथा है हमारा, कोविड से डेथ हुई जो आशा वर्कर है उनका 50 लाख का बीमा और 10 लाख रुपये मुआवजा।
कवरेज सुरक्षा, जैसे अपनी एक पचकूले की आशा वर्कर कोविड होके भी अभी गुजरी है थोड़े दिनों है, उस काम ने भी जब हाल सरकार ने कोई हमें ऐसा दिया ही नहीं है भी उस परिवार को आगे सुरक्षा मिल सके उसके पैसे की। और जैसे ही हमारी कोविड से कोई आशा गुजरती है उसी परिवार में से कोई भी उसकी बेटी की वो पढ़ी लिखी हो उसको उसकी जगह लगाया जाए। पहले भी बातचीत करी है आपने, अपनी मांगे रखी हैं? हाँ जी ये भी रखी हमने, पहले भी मांगे रखी हैं। और तीसरा प्रश्रमिक भत्तो आदि बकाया तत्काल भुगतान के जिन आशाओं का इबियाल जो काम करे पैसा कोविड का भी है अपना जो अपना इनका मंथली जो इनकी पेमेंट बना कहने को मानदेय है वो भी इनका तुरंत तत्काल खातों में डाला जाए। और चौथा हमारा पेंशन एक्सग्रेसिया राशि और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए बिना ही रिटायर बेनिफिट दिए जाएं बिना ही उसके रिटायरमेंट ही दे दी इन्होंने अब पीछे से आशा वर्करों को 60 साल वाली को। अभी तक उनके जो ना सरकार ने बोले था 20,000 देकर रिटायर करेंगे, अभी तक उन आशाओं के 20,000 भी नहीं आई। तो जो आपने पहले बातचीत की तो आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं अभी हाल सरकार हमारे वास्ते तो सोई रही है, बस आशा वर्कर की ड्यूटी लगा देगा हर कोई आके। कट्टर ने बोल दिया टीम बना दी, टीम वर्क बना दिया, टीम में आशा भी लगा दी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगा दी और एक एक टीचर लगा दिया। और टीम में क्या दिखता है सिर्फ कल ही आशा वर्कर गांव में फील्ड में। 24 तारीख को क्या करने वाले हैं? 24 तारीख को हम हर एक PSC पे ज़्यादा दाम इकट्ठे नहीं होंगे कोविड को देखते, सिर्फ हम 20-20 या 10-10 इकट्ठी होके अपना उस दिन रोज प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन ही करते इकट्ठा होके बस वहीं एक दो घंटा रहेंगे, बाकी सब काम छोड़ देंगे, काम कोई करेंगे नहीं उस दिन। बिल्कुल सुदेश राणी, जिला प्रधान आशा वर्कर यूनियन।